सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर शुरू होने जा रहा है भदोही जिले के खबरों का खजाना। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ त्रिमोहानी के पास से कथित नाबालिग किशोरी के अपहरण की अफवाह से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ भदोही भुवनेश्वर पांडे मौके पर पहुंच गए थे। यह पूरा मामला मोड़ त्रिमोहानी के समीप का है, जहां एक नाबालिग किशोरी शनिवार की सुबह अपनी मां के साथ फूल तोड़कर वापस घर लौट रही थी। तभी सूर्यावा की तरफ से दो बाइक पर सवार चार लोग पहुंचे और किशोरी को पकड़ने का प्रयास करने लगे। तभी वहां मौजूद अस्पताल के कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि बाइक सवार भाग खड़े हुए। देखते ही देखते कथित किशोरी के अपहरण की अफवाह तेजी के साथ फैल गई। पुलिसिया जांच में यह पूरा मामला बेबुनियाद निकला है। नाबालिग किशोरी की सरेराह कथित अपहरण की अफवाह ने भदोही जिले में सनसनी फैला दी थी। पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। भदोही जनपद पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने पुलिस के आला अफसरों का बयान जारी करते हुए बताया कि किशोरी के अपहरण जैसी बात पूरी तरह बेबुनियाद है। एसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। जांच के बाद यह मामला सामने आया कि सूर्यामा के एक व्यक्ति के परिवार की मानसिक रूप से कमजोर एक युवती रात में घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। इसी लड़की की तलाश में बाइक सवार निकले थे, जहां मोड़ त्रिमोहानी के पास जा रही एक नाबालिग किशोरी को परिवार का सदस्य समझकर बाइक सवार पूछताछ करने लगे थे और यही मामला अपहरण का रूप ले लिया। देखते ही देखते भदोही जिले में यह अफवाह तेजी के साथ फैल गई। हालांकि मामले का भदोही जनपद पुलिस ने कुछ ही देर के बाद खुलासा कर दिया है। स्वामी श्री अर्गणानंद महाराज के वरिष्ठ शिष्य नारद जी महाराज का आगमन भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद चौराहे पर हुआ था, जहां महाराज जी का दर्शन पाने के लिए भक्तगण बेताब दिखे। सक्तेशगढ़ आश्रम से नारद जी महाराज मड़ियाहू की तरफ जा रहे थे, जहां भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद चौराहा फल मंडी पर नारद जी महाराज का काफिला दर्शन के लिए रुका था। गगनभेदी नारों के साथ भक्तजनों ने महाराज जी का दर्शन किया। काफिला रुकते ही महाराज पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर नगर पंचायत नई बाजार अध्यक्ष निर्मला सोनकर, भाजपा नेता लालता सोनकर, दिलीप गुप्ता सहित विकास सोनकर, विजय बहादुर यादव जैसे भक्तों ने महाराज जी का दर्शन किया था। दर्शन पाकर भक्त निहाल हो गए। मौजूदा दौर में शिक्षा का मंदिर चोरों के निशाने पर है। आए दिन शिक्षा के मंदिर को चोर अपना निशाना बना रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर चोरों ने अवराई थाना इलाके के उच्च प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर कन्हेरी में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मेन गेट सहित कमरों व रसोई घर का ताला तोड़कर चोर दो सिलेंडर, बाल्टी, भगौना, कड़ाही, कुर्सी, परात, थाली, गिलास, समर सेबल का स्टार्टर, स्टेपलाइजर, विज्ञान व गणित किट उठा ले गए हैं। चोरी की वारदात से भगवानपुर कन्हेरी में सनसनी फैली हुई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने औराई पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। जाम में फंसे एक अधिवक्ता व बाइक सवारों के बीच कहासुनी के दौरान बाइक सवारों ने ईंट से मारकर कार का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के साई मंदिर पुरानी बाजार का है, जहां पुरानी बाजार निवासी एडवोकेट शिवम उपाध्याय सरकारी अस्पताल से अपने घर जा रहे थे। पुरानी बाजार नागेश्वर मंदिर के पास जाम लगा था। इसी दौरान कुछ बाइक सवारों से कहासुनी शुरू हो गई। जैसे ही एडवोकेट शिवम उपाध्याय अपने घर के समीप पहुंचे और गाड़ी खड़ी कर अंदर गए, तभी बाइक सवारों ने ईंट मारकर कार का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिसौली किरपालपुर तिराहे की पहचान अब अंबेडकर नगर तिराहा से होगी। शनिवार को बाकायदा भदोही जनपद के खेखर निवासी चंदौली के पूर्व माननीय जनपद न्यायाधीश राजमणि ने बिसौली किरपालपुर तिराहे पर अंबेडकर नगर तिराहा का बोर्ड लगाकर नामकरण किया है। अभोली ब्लॉक के बिसौली किरपालपुर तिराहे का नाम अब अंबेडकर नगर तिराहे के नाम से जाना जाएगा।
बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों की मौजूदगी में तिराहे का नाम अंबेडकर नगर तिराहा रखा गया है। गौतम सरोज बिंद मौर्या बस्ती के बीच पड़ने वाले इस तिराहे का नाम अंबेडकर नगर तिराहा रखा गया है। नामकरण बोर्ड का उद्घाटन माननीय पूर्व जनपद न्यायाधीश राजमणि ने किया है। इस मौके पर अनिल कुमार, नीरज लोलारख नाथ, अवध नारायण, राम सागर मौर्य, अवनीश कुमार आदि मौजूद रहे। नगर निकाय कार्यों की प्रगति समीक्षा को लेकर अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह ने नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की है। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने सभी अधिशासी अधिकारियों को प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया है। इसी तरह शहरी इलाके में गौशाला निर्माण व गौवंशों को पकड़कर गौशाला में भेजने की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। इसी तरह अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली सरकारी जमीनों का डीमाइग्रेशन कराए जाने का निर्देश दिया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी प्राचीन रामलीला भूमि अतिक्रमण का विवाद अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य ने दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह समझौता कराते हुए निस्तारण करा दिया है। काफी समय से रामलीला समिति व जगदीश जायसवाल के बीच विवाद चला आ रहा था। विवाद को आपसी सुलह समझौते के दौरान भदोही कोतवाली में निस्तारण कराया गया। इस दौरान SDM भदोही शिव प्रकाश, लेखपाल सिद्धनाथ सहित रामलीला समिति के पदाधिकारी व जगदीश जायसवाल भी मौजूद रहे। लंबे समय से चला आ रहा विवाद शनिवार को समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। भदोही शहर के पजभैया निवासी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी को पार्टी ने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके आवास पर पहुंचकर युवा सपा नेता टोनी मंसूरी के नेतृत्व में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाते हुए मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। इस दौरान टोनी मंसूरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का आभार जताया है। इस मौके पर सिराज राजकुमार यादव आदि मौजूद रहे। विद्युत विभाग की लापरवाही से सूर्यामा ब्लॉक के भिखारी रामपुर में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छतों के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन विद्युत तार मौत को दावत दे रहे हैं। भिखारी रामपुर के मुस्लिम बस्ती के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार गुजरा है जो काफी जर्जर होकर नीचे आ चुका है। जर्जर होकर मकानों के छतों से काफी करीब पहुंच चुके हाई टेंशन विद्युत तार को हटाए जाने की मांग को लेकर बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में मूलचंद, अब्दुल रहमान, वैस अंसारी, शहाबुद्दीन, महताब अली आदि मौजूद रहे। नई बाजार के गुलौरा में गाली गलौज जैसे मामूली बात पर दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि छत्रपाल व महकू सोनकर के परिवार वालों के बीच मामूली कहासुनी के दौरान मारपीट हुई थी जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जहां गुलौरा निवासी महकू सोनकर की तहरीर पर वीरू चौहान उर्फ कृष्णा सिंह, श्याम सिंह उर्फ स्वामी सिंह, संजय चौहान व करिया के खिलाफ SC ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी तरह छत्रपाल सिंह के परिवार संजय सिंह की तहरीर पर पुलिस ने महकू सोनकर, शेरू सोनकर, मुन्नू सोनकर व अर्जुन सोनकर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामूली कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों के बीच यह मारपीट हुई थी। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड के बाद पड़ने वाले गणेश पूजा उत्सव को लेकर भदोही जिले का अग्निशमन विभाग पूरी तरह सक्रिय है। पूजा पंडाल सुरक्षित रहे इसके लिए अग्निशमन विभाग पसीने बहा रहा है। गणेश पूजा पंडाल को लेकर अग्निशमन विभाग की टीम लगातार पंडालों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। शनिवार को फायर विभाग के लीडिंग फायरमैन कमलेश कुमार सिंह दलबल के साथ भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी, भरत तिराहा, गल्ला मंडी, कटरा बाजार में सजाए गए गणेश पूजा पंडालों का निरीक्षण करते हुए अग्निशमन व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया है। जहां कमेटी के लोगों को हिदायत देते हुए अग्निशमन विभाग ने कहा कि पंडालों पर पर्याप्त बालू पानी व फायर सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त कर ले। इस मौके पर फायर विभाग के ज्ञान सिंह, टुनटुन, कपिल रस्तोगी, उपेंद्र सोनकर मौजूद रहे।
सूर्यामा के कौड़र कुंवरपुर निवासी राजकुमार चौहान का 13 वर्षीय पुत्र मुकेश चौहान घर वालों को बगैर बताए लखनऊ चला गया था। परिजनों ने सूर्यामा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन जब किशोर अपने घर पहुंचा तो परिजनों ने इसकी जानकारी सूर्यामा पुलिस को दी, जहां उप निरीक्षक विजय शंकर सिंह यादव व कांस्टेबल सुरेंद्र शर्मा किशोर को न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष किशोर को पेश किया गया। काउंसलिंग के बाद किशोर को उसके परिजनों को सौंपने का न्यायपीठ ने आदेश दिया। इस मौके पर सदस्य डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता, कर्मचारी अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल मौजूद रहे। भदोही शहर में यातायात नियमों को परखने के लिए भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंची थी। लगातार हो रहे सड़क हादसे को देखते हुए एसपी भदोही दलबल के साथ भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंची थी। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने यातायात पुलिस भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर उतरी थी। इस मौके पर सीओ अजय कुमार चौहान, यातायात प्रभारी निरीक्षक शशिकांत, भदोही शहर के कारपेट सिटी चौकी इंचार्ज रण विजय सिंह भी दलबल के साथ मौजूद रहे, जहां यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाते हुए कई वाहनों का ई चालान भी किया है। साथ ही चट्टी चौराहों पर खड़े बेतरतीब ई रिक्शा पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। स्वजाति समाज के लिए मिसाल बना मौर विकास समिति भदोही जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगा। शनिवार को पटेल नगर अशोक महान सेवा ट्रस्ट मौर विकास समिति कार्यालय पर एक बैठक हुई। बैठक में मौजूद समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर ने कहा कि समाज के होनहार हाई स्कूल में 75%, इंटरमीडिएट में 65% व स्नातक में 60% अंक पाकर पास होने वाले छात्र छात्राओं को 29 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे सभी छात्र छात्राएं 15 अक्टूबर तक अंक पत्र की छाया कापी समिति के ब्लॉक अध्यक्षों के पास जमा करा दे। उधर बैठक में समाज के कई लोगों की समस्याओं को पंचायत के माध्यम से सुलह समझौता कराया गया। इसी तरह जंगीगंज के पवन कुमार मौर को डीग ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बैठक में जयराम मौर, प्रवेश चंद मौर, हीरालाल मौर, राकेश कुमार मौर आदि मौजूद रहे। 24 सितंबर को मनाए जाने वाले मीना के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शनिवार को ज्ञानपुर घराव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मीना के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर घराव की पहलवान रूबी को सम्मानित किया गया। इस दौरान घराव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मीना का जन्मदिन मनाया जाता है। मीना एक काल्पनिक चरित्र है जो बालिकाओं के मुद्दों को समझाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत बनाना है। मीना के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर विद्यालय में एक कार्यक्रम कर घराव की पहलवान रूबी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राकेश कुमार, अनुराधा, सुनीता यादव, प्रदीप उपाध्याय आदि मौजूद रहे। सर्व समाज जनहित पार्टी की एक बैठक पार्टी के कैंप कार्यालय गोपीगंज के नारायण कटरा में संपन्न हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने कहा कि अगर पूर्व घोषणा के अनुसार अक्टूबर व नवंबर में रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो पार्टी मुख्यालय पर क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होगी। साथ ही सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटने का आह्वान किया है। बैठक में बाल मुकुंद कसेरा, मोहम्मद उमर, सिंटू शुक्ला, धनेश प्रसाद पंडा आदि मौजूद रहे। गणेश पूजन उत्सव के मौके पर ज्ञानपुर ब्लॉक के हरिहरपुर सानी में कजरी महोत्सव का आयोजन कराया गया था। ग्रामीणों के सहयोग से पहली बार हरिहरपुर सानी में कजरी महोत्सव का आयोजन कराया गया है। कजरी सुन श्रोता झूम उठे। हरिहरपुर सानी निवासी कजरी गायक ननकू पाल व पिलखुना भानपुर निवासी पन्नालाल के बीच कजरी मुकाबला हुआ। सुबह 12 बजे से शुरू हुई कजरी की महफिल शाम 6 बजे तक जमी रही। कजरी सुनने के लिए आसपास के कई गाँव से कजरी के शौकीन पहुँचे थे। पंडालों में पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश प्रतिमा के विसर्जन का सिलसिला भदोही में शुरू हो गया है। पूजा के पांचवें दिन कई स्थानों पर बप्पा को विदाई दी गई। भदोही शहर के मर्याद पट्टी में स्थापित गणेश प्रतिमा को पांचवें दिन उगापुर में विसर्जित किया गया। गाजे बाजे के साथ ओम सिंह, अंजलि मौर्य, अभिषेक मौर्य जैसे भक्त विसर्जन जुलूस में शामिल रहे।
ऊज इलाके के अकोड़ा रोही गांव में मातृभूमि संकल्प पूजा समिति द्वारा दशहरा मेला मैदान में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा को शनिवार को विसर्जित किया गया, जहां गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आका गगनभेदी नारा लगाते हुए गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन पांचवें दिन रोही बेलुहा के संकट मोचन सरोवर में किया गया है। इस मौके पर धर्मेंद्र त्रिपाठी, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, राकेश पाठक आदि मौजूद रहे। गणेश उत्सव के पांचवें दिन पूजा पाठ के बाद सूर्यामा के डुहिया भान सिंह में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जित की गई। डुहिया भान सिंह में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा भजन कीर्तन के बाद मोड़ के बनकट नहर में विसर्जित की गई है। विसर्जन यात्रा में शामिल भक्त डीजे की धुन पर भक्ति गीत गाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर कन्हैयालाल तिवारी, राम सागर, श्याम मूरत आदि मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भाजपा युवा मोर्चा के चौरी मंडल अध्यक्ष विष्णु उपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक मुट्ठी चावल व मिट्टी को एकत्रित किया है। चौरी इलाके के जद्दूपुर, बहरी, दत्तीपुर जैसे ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए हुए भ्रमण किया और चावल व मिट्टी इकट्ठा किया है। मेरी माटी मेरा देश के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में अमित उपाध्याय, आशीष लाल बहादुर, प्रदीप उपाध्याय आदि मौजूद रहे। विद्युत उपभोक्ताओं के समस्याओं के निस्तारण के लिए विभाग कैंप का आयोजन कर रहा है। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जगह जगह कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा पर विद्युत विभाग ने कैंप लगाया था। कैंप में घोसियां से कुल 25 मामले पहुंचे थे, जिसमें से 16 का मौके पर निस्तारण किया गया। और आई पावर हाउस से 12 मामले पहुंचे थे, जिसमें से 7 मामलों का निस्तारण किया गया। विभाग के लिपिक अनुज ने बताया कि यह कैंप पूरे एक महीने चलता रहेगा। कैंप में एडीओ ईश्वर सरल सिंह, जेई राम नारायण यादव, विश्वनाथ मौर्य मौजूद रहे। भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। एसपी भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कत्याय ने ज्ञानपुर कोतवाली में पहुंचकर फरियाद सुनी है। राजस्व व पुलिस विभाग से संबंधित कुल 79 मामले पहुंचे थे, जिसमें से 16 का मौके पर निस्तारण किया गया, जहां एसपी ने मातहतों को निर्देश देते हुए फरियादियों की समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारण का निर्देश दिया है। इसी तरह भदोही, गोपीगंज, सूर्यामा, चौरी, कोइरौना, ऊज, दुर्गागंज, औराई जैसे थाना कोतवालियों पर भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। भदोही जिले के हर इलाके की खबरों का हाल जानने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सत्यम न्यूज चैनल व अखबार आपके अपने जिले का मीडिया है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज का हौसला बढ़ाते रहिए और खबरों को शेयर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।